नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उमेश सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6th of July 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की PDF आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की PDF को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आप लोग इजीली अवेल कर सकते हो हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, GK कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, स्टडी एनी टाइम एनी वेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर ये रहा, नेम द लेडी हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन US सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, पहली ऐसी लेडी जिन्होंने एज अ फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट में उनको दिया गया है, मतलब उनको जगह दी गई है यहाँ पर, और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। आप इनका फोटो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, इनकी फोटो है यहाँ पर। केतांजी ब्राउन जैक्सन हैज स्वॉन इन एज US सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, मेकिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन द नेशंस टॉप जुडिशियल बॉडी वाइल ज्वाइनिंग इट एट अ टाइम व्हेन इट्स कंजर्वेटिव मेजॉरिटी हैज बीन फ्लेक्सिबल इन मसल्स इन मेजर्स रूलिंग। पहली ऐसी महिला है जो कि ब्लैक वुमेन बनी है और हाई टॉप लेवल पोस्ट पर यहाँ पर रहेगी जुडिशियल बॉडी की, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, इंटरनेशनल अफेयर्स है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको इस पर कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ रिविजन पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ तो इंडियन अमेरिकन राधा अयंगर जो है, जिन्हें डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड एक्विजिशन स्टेटमेंट ऑफ US भी बोला गया है, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन नेम्ड कैरी जीन पेरी, वो भी आपकी दोस्तों ब्लैक वीमेन है फर्स्ट एंड ओपनली LGBTQ पर्सन को सर्व करती है एज अ रोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स ही हैं और साथ में कुछ रिविजन पॉइंट भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट शब्द है, हाउ मेनी वेरियंट ऑफ कार्ड हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय आदित्य बिरला SBI कार्ड। दोस्तों आदित्य बिरला और SBI कार्ड ने उसमें कोलैबोरेशन किया, और कितने वेरियंट्स के कार्ड यहाँ पर लॉन्च की बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा 2 वेरिएंट्स, राइट। पूरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उससे पहले दोस्तों हमें SBI कार्ड पेमेंट्स की बात करनी चाहिए और डेफिनेटली हमें कुछ रिविजन पॉइंट्स यहाँ पर भी एड ऑन करने चाहिए। तो अगर मैं SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज की बात करूँ तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाता है 1998, और हेडक्वार्टर हो जाता है इसका गुरुग्राम, और दोस्तों यहाँ पर इसके MD CEO का नाम हो जाएगा रामा मोहन राव अमेरा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात SBI कार्ड के थ्रू रहेगी। तो कुछ बातें यहाँ पर हम करेंगे, SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज अनाउंस दैट इट हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला फाइनेंस, द लेंडिंग सब्सिडियरी ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, फॉर द लॉन्च ऑफ आदित्य बिरला SBI कार्ड। द कार्ड हैज बीन डिजाइंड टू गिव कंज्यूमर सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन देयर स्पेंडिंग अराउंड टेलीकॉम, फैशन, ट्रैवल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, होटल्स एंड अमंग अदर्स, राइट। तो दोस्तों आपको पता ही, कोई भी ट्रैवल करता है डेफिनेटली कार्ड्स हम लोग यूज करते ही हैं, डिनर करने जाओ तब यूज करो, एंटरटेनमेंट पर मूवीज देखने जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, फैशन लो, कपड़े खरीदो, हम कार्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। दिस पार्टनरशिप विल एनेबल अस टू इशू क्रेडिट कार्ड्स टू आदित्य बिरला ग्रुप कस्टमर्स बेस, देयर बाय प्रोवाइडिंग देम अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर ऑल देयर स्पेंडिंग नीड्स। दिस इज अलाइन विद आवर स्ट्रेटेजी ऑफ एनहांसिंग वैल्यू फॉर बोथ कस्टमर्स एंड को पार्टनर्स। The customer acquisition process will be completely digital, thereby ensuring an enhanced customer experience, right? तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आदित्य बिरला और SBI कार्ड यहाँ पर कोलैबोरेशन में आ चुके हैं दोस्तों। अब बात करूँ अगर मैं कुछ ऐसे चीज़ की, कुछ ऐसे रिसेंटली लॉन्च कार्ड्स की, तो दोस्तों आपको पता होगा लाइफ बाउंडलेस क्रेडिट लाइन कार्ड भी आया है जो स्टैक फिश ने किया, मैंने बताया था न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था, यूएलआईटी के बाद बजाज फिनसर्व, डीबीएस बैंक का आया था सुपर कार्ड है ना, बीओबी फाइनेंशियल नैनीताल बैंक को ब्रांड की थी जिसका रुपए पावर था, इन सबका वीजा था, इसका भी वीजा है ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो कुछ ऐसी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जहाँ पे रिलेटेड बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विद विच कॉमर्शियल बैंक इजी डाइनर कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस डाइनिंग डिलाइट्स। तो यहाँ पे इजी डाइनर ने दोस्तों यहाँ पर कौन सी बैंक के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया था कि जो डाइनिंग एक्सपीरियंस है उसे और अच्छा किया जा सके। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट विल बी एक्सिस बैंक। बढ़ने से पहले एक्सिस बैंक की स्टैट्स हमें पढ़नी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इसका 1993 में हुआ दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका मुंबई हो जाता है, चेयरमैन का नाम हो जाता है राकेश मखीजा ठीक है, एमडीसीए का नाम हो जाता है अमिताभ चौधरी राइट, और टैगलाइन हो जाता है एक्सिस बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या हो जाता है? बढ़ती का नाम जिंदगी ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी। एक्सिस बैंक का प्राइवेट लेंडर हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइनिंग डिलाइट्स ऑफ अ बैंक लाइट्स इन कोलैबोरेशन विद इजी डाइनर, अ टॉप प्लेटफॉर्म फॉर टेबल रिजर्वेशंस, क्यूजीन डिस्कवरी और रेस्टोरेंट पेमेंट्स। क्यूजीन मतलब जैसे इंडियन, थाईलैंड, चाइनीज वगैरह, थाई वगैरह। Numerous advantage will be provided by service including ability to select perform over 10,000 upscale restaurants in India and Dubai. Fast confirmation of table bookings and special discounts for reservation made through Easy Diner app. ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों Easy Diner app क्या है? Easy Diner app है ना, इससे क्या होगा? Collaboration हो रहा है। क्या हो रहा है? Collaboration हो रहा है dining delights, मतलब डिनर पे जो डिलाइट्स होते हैं उनका फायदा उठाना ठीक है। 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट इसमें अपस्केल किए गए हैं इंडिया एंड दुबई के, और दोस्तों यहाँ पर डिनर एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कंपैरिजन टू प्री कोविड डेज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु चूज टू फाइंड एंड ईट एट अपस्केल रेस्टोरेंट्स हैज इंक्रीज्ड अबाउट 132% अकॉर्डिंग टू इजी डाइनर रियल टाइम डेटा एनालिसिस। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर आर इन द फोरफ्रंट ऑफ द ह्यूज रिबाउंड फॉलोड बाय गोवा व्हिच हैज रिसेंटली बिगन टू गेन पॉपुलैरिटी। तो सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है वो इन्हीं पार्ट से आ रहे हैं। एडिशनली विद द ट्रेमेंडियस मोमेंटम बिल्डिंग अक्रॉस द नेशन, कंज्यूमर्स आर डाइनिंग आउट 3.2 टाइम्स पर मंथ आर अपोज्ड टू 2.1 टाइम पर मंथ प्रायर कोविड। कोविड के बाद लोग ज्यादा डिनर्स पे जा रहे हैं या फिर खाना खाने द्वारा जा रहे हैं। इवन पर्सनल लाइफ से अगर मैं बोलूँ तो हाँ, कुछ ऐसा ही मुझे भी लगता है कि हाँ, हमने कोविड के बीच में 2 साल जो घर पे बैठकर घर का खाना खाया ना, तो अब लोग बाहर का खाना एंजॉय कर रहे हैं ठीक है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, पहले 2.1% लोग जाते थे, 3.2% जाने लगते थे है ना, ऐसे। तो यहाँ पर आप लोगों को साइजेस मिल जाएगी। यार यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे कंसेशन भी मिलते हैं, 50% डिस्काउंट मिल गया कहीं पर। आपको ध्यान होगा दोस्तों, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोग ऐसे बहुत सारे और अदर ऐप्स भी हैं जहाँ पर आपको डाइनिंग डिलाइट्स मिलते हैं, जैसे डाइन आउट है ना, उस पर भी काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। वैसे इजी डाइनर भी होते हैं, ऑफर्स मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे, तो ऐसे चीज़ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते, name the app which is recently developed by Bangalore electricity company Bescom to provide information about EV charging stations in Bangalore, Karnataka. Correct answer will be your EV Mitra, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु ने डेवलप किया EV Mitra mobile app। अभी करता क्या है? The information on charges in each station for the electric vehicle to recharge and also mentioned in the app. मतलब यहाँ पर क्या है कि electronic vehicles के जो चार्जिंग स्टेशंस बने हुए उसके लिए ऐप है कि कहाँ पर कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, या फिर यूजर फ्रेंडली को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, कहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो, आप जिस जगह हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो कितनी दूरी पर है, ऐसे करके। बेस्कॉम हैज अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड इन जीवी जागृति वेब पोर्टल एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग एंड द यूनाइटेड किंगडम। वेब पोर्टल गिव्स अ स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंसेंटिव्स, सपोर्ट मैकेनिज्म एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राइट। 136 चार्जिंग स्टेशन है बेंगलुरु में, अदर 152 जो है वो स्टेशन विल बी स्टार्टेड सून। तो 136 ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशन है। अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल टेंडर्स हैव बीन इन्वेंटेड टू एस्टैब्लिश 1000 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट। ईवी अभियान विल हेल्ड इन अ वीक ऑन 1st July to 6th, ईवी एक्सपो फ्रॉम July 1st to 3rd, एंड July 2nd ईवी रैली विल बी ऑर्गेनाइज बाय विधान सौधा
एंड पैलेस ग्राउंड्स टू प्रमोट ईवी यूसेज इन बैंगलुरु सिटी, राइट। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इंपॉर्टेंट आप लोग रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द कर्नाटकाज वेमेन हु हैज रिसेंटली क्राउंड एज फेमिना मिस इंडिया 2022। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, करेक्ट हो जाएगा सिनी सेट्टी, ठीक है। आप फोटो इनकी देखिए यहाँ पर, सिनी सेट्टी हैज वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट। शेट्टी हैज क्राउन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बाय हर प्रेसिडेंशियल मिस इंडिया मनसा वाराणसी एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना कि इनका नाम ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो नाम है वही यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाएगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन और कुछ नहीं बनेगा। इसमें जूरी पैनल देख लीजिए, नेहा धूपिया, डीनो मोरिया है, मलाइका अरोरा है, ठीक है, मिताली राज थी, राहुल खन्ना, राहुल गांधी और शैमिक दरबार, ठीक है। नेक्स्ट, What is the total fund outlay of gross GST revenue collection for June 2022? Correct will be 1.40 lakh crore. तो यहाँ पर एक important financial awareness के ऊपर question बन सकता है। वैसे तो देखो दोस्तों इतने digits याद ही रहते, तो approximately आप थोड़ा सा याद रखिए ना, ठीक है। 1.40 lakh crore GST revenue हुआ है June 2022 में, ठीक है। ध्यान रखना, फोर्थ मंथ एट ए स्ट्रेच ऑफ सिंस 2022, द जीएसटी कलेक्शन इन जून 2020 इज द सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन सब्सिक्वेंट टू द अप्रैल 2022 जीएसटी कलेक्शन ऑफ 167540 करोड़, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैंने जो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है वही को एलाबोरेट करने की कोशिश की है दोस्तों इन वीडियोज में, ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या रहे, फायदेमंद रहे, ठीक है। अब ऐसे इतने बड़े बड़े डिजिट्स आप एक साथ याद नहीं कर सकते, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी की नहीं याद रहते हैं डिजिट्स, तो आप उसे अप्रोक्सीमेटली याद रख लीजिए, ताकि आपके जो फिर कंशियस माइंड है या फिर कॉन्शियस जो रहेंगे आप एग्जाम के टाइम में, वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हु हैज वर्चुअली किक्ड ऑफ अ 3-डे ग्रैंड हैकाथन दैट अ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, करेक्ट विल बी योर पीयूष गोयल, नितिन जयराम गडकरी, आपको पता है दोस्तों कौन है, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी आपके मिनिस्टर्स लेवल पर आते हैं। पीयूष गोयल है दोस्तों जिन्होंने इवेंट को लॉन्च किया है, ठीक है। ग्रैंड हैकाथन 3 दिन का ये पूरा रहेगा और इसको होस्ट करने वाला है नाबार्ड, ठीक है। द फिजिकल पोर्शन ऑफ दिस इवेंट टुक प्लेस एट फोर्ट मुंबई, लोकेशन ऑफ द BSC। द ग्रैंड हैकाथन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज अग्री ग्रैंड चैलेंज एंड अग्री इनोवेशन हैकाथन, बोथ ऑफ द विच विल डिलाइट और हाईलाइट इनोवेशन दैट विल हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर अडॉप्ट ई-कॉमर्स, राइट। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मेन मकसद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो को है इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस नारी को नमन सेगमेंट टू गेट 50% कंसेशंस ऑन बस फेयर, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उन्होंने चार्ज लिया है कि वुमेन ट्रेवलर्स को 1/2, ठीक है, 0.5% ऑफ द ट्रैवल विद इन द स्टेट, लॉन्चिंग द नारी को नमन स्कीम एट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम हेयर ऑन थर्सडे। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑल्सो इशूड कंसेशनल टिकट टू वेमेन। सीमा ठाकुर द फर्स्ट वेमेन बस ड्राइवर इन द स्टेट ड्रोव हिम एज अ स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट बस टू द इवेंट वेन्यू, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कंसेशंस मिलेगा 50% ऑफ किसको, वेमेन्स को, कि वो पूरे स्टेट में घूम सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर ठाकुर अनाउंसेज अ रिडक्शन ऑफ मिनिमम बस फेयर टू ₹7-5 फॉर ऑल द पैसेंजर्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। दिस विल सैंक्शन 25 न्यू पोस्ट वेमेन ड्राइवर्स टू राइड विद प्राइड। तो यहाँ पर ₹7 का जो टिकट है वो ₹5 में मिलेगा और 25 महिला ड्राइवर यहाँ पर अपॉइंट की जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन January 12, 1863 एंड ही हैज पास्ड अवे ऑन, करेक्ट विल बी योर 4th July 1902। स्वामी विवेकानंद दोस्तों बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअलिटी गुरु हैं, ठीक है, और बहुत ही जाने माने हैं, आज भी बहुत मानिष्ठ हैं दोस्तों ये। तो इनके बारे में पूरी हम बात करेंगे कि डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 4 जुलाई को। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप मान सकते हैं, डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट हाँ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल कंसेप्ट ये यहाँ पर रहेगा। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन January 12, 1863, ऑन July 4, 1902 ही पास्ड अवे। रामकृष्ण परमहंसा देवा वॉज द गुरु ऑफ हिज स्पिरिचुअलिटी एंड इट वॉज फ्रॉम हिज विवेकानंद लर्न दैट गॉड लिव्स इन ऑल लिविंग बींग्स, सो सर्विंग लिविंग बींग्स टू सर्व गॉड। In 1983, he presented India and Hinduism at a World Parliament of Regents and Swami gave his famous speech in Chicago to USA, right?
तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद पास्ड अवे एट एज ऑफ 39, ओ माय गॉड, वेरी स्मॉल राइट, बट मैन लिव्स थ्रू हिज थॉट्स थ्रू हिज वर्ड्स, द बॉडी इज मॉर्टल, इट विल डिस्ट्रॉयड बाय बीइंग इन्फेक्टेड विद द डिजीज, इट इज एग्जैक्टली हाउ स्वामी विवेकानंद स्टिल अलाइव अमंग अस, इनकी बातें और इनके विचारों से आज भी हमारे बीच में जिंदा है दोस्तों. स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्वामी विवेकानंद राइट. नेक्स्ट शब्द, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है, अमंग द फॉलोइंग विच कमर्शियल बैंक स्टार हेल्थ ज्वाइन टूगेदर टू ऑफर बैंक अश्योरेंस, करेक्ट विल बी योर IDFC फर्स्ट बैंक राइट. तो यहाँ पर दोस्तों, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस, द इंश्योरर एंड IDFC फर्स्ट बैंक हैव इंक्ड द कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट इन अकॉर्डिंग विद द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. स्टार हेल्थ एंड एलीड इंश्योरेंस कंपनी विल यूज IDFC फर्स्ट बैंक कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू ऑफर इट्स बेस्ट इन ऑल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक कस्टमर्स राइट. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्टार हेल्थ और IDFC बैंक ने क्या किया है, टुगेदर जॉइन हैंड्स किए हैं फॉर द बैंक अश्योरेंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे. बैंक अश्योरेंस मतलब क्या होता है, बैंक जो लोन देता है ना उसको भी अश्योरेंस करवाते हैं ठीक है, ताकि अगर तुम मतलब हार जाए तो उसका भी अश्योरेंस, जैसे ARC है ना, असेट रिकंस्ट्रक्शन में वैसे ही काम आते हैं. तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए. तो स्टार हेल्थ ने ज्वाइन किए हैं बैंक अश्योरेंस ऑफर की किसको, IDFC फर्स्ट बैंक को ठीक है, ये आप ध्यान रखिए. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए दोस्तों. और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.